और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीएमडीसी केस की समाअत हुई। अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए कि वजारत सेहत इतनी नाहल है, पता भी नहीं लगा पाई कि कराची में गैस से लोग कैसे मरे। अभी इस वजारत ने नाहली के साथ कोरोना वायरस से भी लड़ना है। हर इदारे के साथ यूं किया गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीएमडीसी की इमारत सील करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जवाब जमा कराया कि इमारत हम नहीं बल्कि वजारत सेहत ने सील की। जस्टिस मौसिर अख्तर कियानी ने वजारत सेहत और वफाकी हुकूमत पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि वजारत सेहत इतनी नाअहल है कि कराची में गैस से लोग कैसे मरे अंदाजा भी नहीं लगा सकी। अभी इस वजारत ने इस नाहली के साथ कोरोना वायरस से भी लड़ना है। हर इदारे के साथ यूं किया गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। क्या वफाकी हुकूमत को समझाने वाला कोई नहीं? कल हुकूमत को वकील और जज पसंद नहीं आएंगे, क्या हमारे लिए भी ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे? ऐसे अल्फाज पटवारी भी नहीं लिखता जो वजारत सेहत ने लिखकर भेजे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इदारों को ताले लगाकर लाखों शिकायत पीएम पोर्टल पर हल करने के दावे होते हैं। पीएमडीसी से मुतालिक ऑर्डिनेंस अदालती फैसले के बाद खत्म हो चुका। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत समेत तमाम फरीकैन को तौहीने अदालत का नोटिस जारी करते हुए 25 मार्च को जवाब तलब कर दिया। इमारत को ताला लगाने वाले अफसरान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म भी जारी।